दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम बनाएंगे जो कि हमें एक तरफा विन कराए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 से 4 मेगा ग्रैंड लीग की टीमें भी बना के लाया हूँ, जिनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि इस मैच की जो मेगा ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम है वो कैसे बन सकती है। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आपकी एक टीम रैंक करती दिख सकती है, और टीमें मैं बना के लाया हूँ, वीडियो में बना के लाया और आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से टीमें बनानी है और कैसे सिर्फ 1-2 चेंजेस करके अपनी टीम को आप रैंक करा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी को जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अब यार टेलीग्राम चैनल से जुड़ना क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल ग्रैंड लीग टीम्स मिल जाती हैं, ट्रंप प्लेयर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन मिल जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी अपडेट जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी मिस नहीं करेगा, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। उम्मीद है सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अब दोस्तों जहां पे मैच खेला जाएगा, काउंटी ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, तो यहाँ की पिच कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ की जो पिच है, वैसे अगर हम बात करें मेंस मैचेस में तो ये पेसर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे पेस अच्छी निकलती है और बाउंस भी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पिच एक बार पेसर्स को सपोर्ट करने वाली, ये चीज ध्यान रखनी। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो वुमेन्स के मैच हुए हैं, वो 5 मैच हुए हैं, 3 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 2 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। 187 का एवरेज स्कोर है और 150 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 200 होना चाहिए, मैं इसको एडिट नहीं करा, 200 से कम बना है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार स्कोर, यानी कि दोस्तों 200 से ऊपर स्कोर कम जाता है, बाकी यहाँ पे हम 200 से 250 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों 250 से 251 से 289 300 है बाबा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे 200 से कम बना है स्कोर 3 बार, मैक्सिमम स्कोर जो है 200 से कम ही बनता है। वैसे भी दोस्तों वुमेन्स मैच है तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनता, ये चीज ध्यान रखना वुमेन्स स्कोर में, और विकेट अच्छे खासे गिरते हैं। तो यहाँ पे जो 5 मैच हुए हैं वो आप 5ों के 5ों मैच यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 273, यहाँ पे 126, यहाँ पे 133, यहाँ पे 259, यहाँ पे 258, ठीक है, ये स्कोर आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 विकेट चारों के चारों स्पिनर्स को मिले, यहाँ पे 3 पेसर्स को, 4 स्पिन को मिले, उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 4 पेसर को, 1 स्पिन को, यहाँ पे 4 पेसर को, 4 स्पिन को, ठीक है। टोटल 71 विकेट गिरे 36 पेसर्स को, और 26 विकेट स्पिन बॉलर्स ने भी लिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्पिन बॉलर्स को विकेट इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ज्यादा ओवर्स जो है स्पिन बॉलर्स करते दिखते हैं विमेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 50 ओवर की अगर हम बात करें तो 50 ओवर में कई बार क्या होता है कि स्पिन बॉलर्स यहाँ पे 35 ओवर 40 ओवर करते दिखते हैं, सिर्फ 10 ओवर ही पेसर्स करते हैं। तो पेसर्स थोड़े कम ओवर्स करते हैं, मैक्सिमम टीमों में ऐसा होता है, स्पिनर्स ज्यादा ओवर करते हैं विमेंस में, इसीलिए स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें देख के आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सारी चीजें आपके काम की है, ठीक है। वैसे वुमेन्स के मैच में बहुत ज्यादा मायने पिच के नहीं होते, ठीक है, पिच से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो होता है, ये चीज ध्यान रखना। बस टीमों को आपको ध्यान रखना, कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, कौन से किस टीम के प्लेयर्स परफॉर्मेंस ज्यादा देंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और वुमेन्स मैच में एक चीज ये भी होती है कि लगातार वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस भी करते रहते हैं जिनपे हमको भरोसा होता है, और जो परफॉर्मेंस जो फेल होते हैं वो फेल ही होते रहते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, 12 मैच दोनों टीमों ने खेले, 11 इंग्लैंड वुमेन ने जीते, 1 नो रिजल्ट रहा, कोई भी मैच पाकिस्तान वुमेन नहीं जीती है। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिली कि एक स्ट्रांग साइड कौन सी है, इंग्लैंड वुमेन की, और उसी के जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो हम वन साइडेड टीम भी बना सकते हैं, वन साइडेड इंग्लैंड वुमेन की साइड भी टीम बना सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टैट्स देखे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट फॉर्म में 1 मैच हारी है इंग्लैंड वुमेन, बाकी दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन रिसेंट 5 मैचों में कोई भी मैच नहीं जीती है। तो यहाँ से भी आपको यही पता चलता है स्ट्रांग टीम कौन सी है, वो इंग्लैंड वुमेन की टीम स्ट्रांग है और हम उसकी साइड टीम बना सकते हैं, और मैक्सिमम जो मेगा ग्रैंड लीग की टीम है वो हम इंग्लैंड वुमेन टीम के साइड बना सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ से पता चल गई है। उसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 देखेंगे।
जो बेस्ट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो जो चेंजेस टीमें कर सकती है वो भी चीज देखे कि कौन बॉलर शुरुआत में बॉलिंग कर सकता है, कौन डेथ में बॉलिंग कर सकता है, कौन ज्यादा ओवर करेगा, कौन कम, ये सारी चीजें भी यहां से देखेंगे। ये सारी चीजें काम की होती है, ठीक है। टी विमोंट के साथ आपको बाउंसर ओपनिंग करती दिख सकती हैदर नाइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेट सिवर ब्रंट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स, चार्ली डीन, सोफिया क्लस्टन, सारा ग्लेन, कैट क्रॉस, लॉरेन बेल, ये क्या हो सकती है? प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे टीम डेनियल बैट को खिला सकती है। डी बैट को लास्ट मैच में जब मैच पूरा नहीं हुआ था रन की वजह से, उसमें डी बैट खेली थी, तो हो सकता है यहाँ पे टीम सारा ग्लेन को ना खिला के ऊपर बैटिंग में डी बैट को खिला दे, ये कुछ हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 हो सकती है। बहुत ज्यादा एक या दो चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस होंगे उसके, उसको मैं टेलीग्राम पे समझा दूंगा कैसे वहां पे बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, कब किसको रखना है, कब किसको ड्रॉप करना है। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ के रहना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैट क्रॉस और लॉरेन बेल ये आपको शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करती दिख जाएंगी, ठीक है। ये स्विंग बॉलर है शुरुआत में। और सोफिया क्लस्टन और सारा ग्लेन अगर खेलती है सारा ग्लेन, तो ये आपको डेथ में बॉलिंग करती दिख सकती है। और सोफिया क्लस्टन ये डेथ की स्पेशलिस्ट बॉलर है और विकेट भी सबसे ज्यादा लेती दिखती दिख सकती है सोफिया क्लस्टन। उसके अलावा यहां से आप देख सकते हैं लास्ट मैच जो हुआ था इन्हीं पांच बॉलर्स ने 10-10 ओवर करे थे, ठीक है। पिछला जो मैच हुआ था उसमें इन्हीं पांच बॉलर्स ने 10-10 ओवर करे थे। और हैदर नाइट और नेट सिवर ब्रंट ये भी दोस्तों अच्छी बॉलर है, यानी कि ऑलराउंडर ऐसा नहीं है, पार्ट टाइमर कह सकते हैं हैदर नाइट, और ये दोनों अच्छी खासी बॉलिंग करती है, जिसमें नेट सिवर ब्रंट तो हमको लगता है जरूर 2-3-4 ओवर करती दिखेंगे, बाकी हैदर नाइट भी कई बार ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, ओवर्स करती दिखती है। लेकिन लास्ट मैच में यही हुआ कि इन्होंने ही 10-10 ओवर करे थे, बाकी ये बॉलर्स यूज नहीं करे, तो इनका भी यूज हो सकता है। जैसे नेट सिवर ब्रंट है ओवर्स करती दिख सकती है और हैदर नाइट भी ओवर्स करती दिख सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवर्स नहीं करे थे लेकिन दोस्तों कर सकती हैं। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों सदफ शम्स और सिद्रा अमीन ओपनिंग करती दिख सकती है। 3 नंबर पे मुनीबा अली, आयशा जफर, निदा दार, आलिया रियाज, फातिमा शना, नजीहा अलवी, उम्मे हनी, डायना बेग, नशरा शंधु, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। हर एक प्लेयर का बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल मैंने सामने मेंशन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आपको बता दूं फातिमा शना, दायना बेग आपको शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करती दिखेंगी, नशरा शंधु के साथ निदादार आपको डेथ ओवर्स में दिख सकती हैं, निदादार पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकती है, और निदादार जो है ये टीम की कैप्टन भी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, फातिमा शना ने 6 करे थे, दायना बेग ने 4 करे थे 10, नशरा शंधु में यानी 10, निदादार ने 10 करे थे, आलिया रियाज ने 6 ओवर, आयशा जफर में 4 ओवर करे थे। तो ये इतनी बॉलर्स यूज करी थी लास्ट मैच में इस टीम ने, और किसने कितने ओवर करे थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन कितने ओवर कर सकता है, चांसेस क्या है, ठीक है। ये भी चीज अच्छी होती है, टीम बनाने में बहुत ज्यादा काम आती है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम टीम बनाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन देखेंगे, तो हमारे पास दोस्तों मुनीबा अली का ऑप्शन है, नजीहा अलवी का ऑप्शन है, एमी जोन्स का ऑप्शन है, ठीक है। एमी जोन्स मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में किसको रखा है, एमी जोन्स, क्योंकि दोस्तों ये अच्छी प्लेयर है, उन्होंने लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस भी करा है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, तो मैं कहूंगा एमी जोन्स से अच्छी ऑप्शन आपके लिए मुनीबा अली है। नजीहा अलवी को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुनीबा अली जो है ये अच्छी ऑप्शन है, ये बेहतरीन प्लेयर है, कई बार अच्छे खासे रन करती दिखती है, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी ठीक ठाक है। एमी जोन से इनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर 5 या 6 नंबर नीचे, लेकिन मुनीबा अली का बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर पे, तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो मुनीबा अली को अगर रिस्क ले रहे तो अपनी टीम में मुनीबा अली को ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने सेफ जाने के लिए अपनी स्मॉल लीग की टीम में किसको लिया है, एमी जोन्स को, और आप चाहें तो मुनीबा अली को ट्राई कर सकते हैं। और ग्रैंड लीग की टीम्स में, मैक्सिमम टीम्स में आपको मुनीबा अली को ही रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन देख लेते हैं। हैदर नाइट आपकी टीम में कंफर्म होनी चाहिए, वैसे दोस्तों ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करती दिख सकती है, और ये टीम की कैप्टन भी है। टी विमोंट ये दोस्तों क्या है, ये ओपनिंग करती दिखेंगी, अच्छी प्लेयर है और आपको रन्स भी करती दिख सकती है, तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, विमोंट को भी। उसके अलावा दोस्तों डैनियल बैट,
ये दोस्तों खेलती देख सकते हैं, लास्ट मैच में खेली थी, ये दिखा रहा है कि प्लेइंग 11 में थी, हालांकि लास्ट मैच हुआ ही नहीं था रैंक की वजह से, और 5 नंबर पे इनका बैटिंग ऑर्डर था। तो एक बार फिर से अगर खेलते हैं तो 5 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर इनका हो सकता है। और मैं बता दूं ये प्लेयर जो है इनको आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी हिटिंग करती है, ग्रैंड लीग की टीम में रोटेशन में आप रख सकते हैं। देखिए वो बैटिंग नहीं भी मिली थी, अच्छे लोगों ने लिया है क्योंकि ये अच्छी प्लेयर है, T20 में ओपनिंग करती है, वहां से स्कोर करती है और यहाँ पे 5 नंबर पे। उसके अलावा सिद्रा अमीन जो कि आपको शुरुआत में खेलती दिख सकती है, और सिद्रा अमीन जो है ये दोस्तों हिट एंड मिस, यानी कि दोस्तों बहुत कम चांसेस होता है परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए ऐसे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों उनको लिया भी बहुत कम लोगों ने, 10-12% लोग अगर किसी ओपनर को लेके चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि उसको आप ग्रैंड लीग में या ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, वो एक बड़ा स्कोर करते दिख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्रा अमीन जीएल के लिए बढ़िया है, आलिया रिया ज्यादा लोगों ने लिया क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है और इनके ऐसी ही लगातार परफॉर्मेंस भी देती है, यानी कि हर एक मैच में अगर 5 मैच खेलेंगी तो 3 या 4 मैचों में परफॉर्मेंस दे देगी आलिया रियाज, तो इसीलिए इनको ज्यादा लोगों ने लिया, मैं भी आलिया रियाज को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये ओपनिंग करती दिखेंगी बाउंसर, और इन्होंने ओपनिंग करी भी है लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, तो टीम अगर नहीं खिलाती तो हो सकता है डिबेट को एक बार फिर से ओपनिंग कराती दिखे, ये चीज हो सकती है। बाकी आयशा जफर को भी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, ग्रैंड लीग की रोटेशन में ट्राई करूंगा। सोफिया डंगली नहीं खेले, सदब शम जो कि ओपनिंग करती देख सकती है, इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, ये बड़ा स्कोर करने वाली प्लेयर है, ये बड़ा स्कोर कर सकती है, इनके पास 60 अच्छे हैं, ठीक है। सदब शम से बड़ा स्कोर कर सकती है, तो सदब शम पे ग्रैंड लीग में थोड़ा अलग से फोकस रखना है, अलग से ध्यान रखना है, ये प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, अलाउंडर सेक्शन में नैट सीवर ब्रांड आपको कंफर्म रखना ही है, और कैप्टन की सबसे अच्छी ऑप्शन है क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, इस मैच में बॉलिंग भी कर सकती है और बैटिंग भी कर सकती है, निदादार कंफर्म है अपने 10 ओवर भी करेंगी और बैटिंग भी अच्छी खासी करती है, बैटिंग करना जानती है, तो ये दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट ऑप्शन स्मॉल लीग सेफ लीग में कौन है, ये ही दोनों है, निदादार और नैट सीवर ब्रांड, इन्हीं को आप रोटेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और दोस्तों जिस तरह से परफॉर्मेंस निदादार ने दी तो निदादार को कैप्टन वाइस कैप्टन नैट सीवर ब्रांड को कर सकते हैं। यार फातिमा सना बहुत अच्छी प्लेयर है, शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करती है, डेथ में भी बॉलिंग करती है, और क्या है बैटिंग भी करना जानती है, कई बार बैटिंग से परफॉर्मेंस देती दिख सकती है, इसीलिए आपको अलाउंडर सेक्शन में दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी के लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शन ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए मैंने फातिमा सना को अपनी टीम में नहीं ले पाया है, लेकिन दोस्तों आप चाहें रोटेट कर सकते हैं तो यहाँ पे फातिमा सना को जरूर ट्राई करना क्योंकि अच्छी प्लेयर है। उसके अलावा एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, ये दोनों प्लेयर्स हमने अपनी टीम में रखी है। देखिए कैप्सी भी बॉलिंग कर सकती है, 3-4 ओवर बॉलिंग प्लस बैटिंग करती है। उसके बाद ये डीन जो है ये दोस्तों बॉलिंग ऑलराउंडर है चार्ली डीन, ये और बॉलिंग में अच्छी खासी बॉलिंग करती है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप अपनी टीम में, ये दोनों प्लेयर्स मैंने अपनी टीम में रखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको आप फिक्स भी कर सकते हैं, नैट सीवर ब्रांड है, निदादार, कैप्सी और चार्ली डीन, मतलब आपको ग्रैंड लीग की भी हर एक टीम में रखना है, बाकी प्लेयर्स को रोटेट करना है लेकिन इन प्लेयर्स को रखना है। उसके अलावा दोस्तों आप क्या करेंगे, रोटेशन में फातिमा शना को भी जरूर रखेंगे, ठीक है, 5वां ऑलराउंडर लेके चल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोफी एक्लस्टोन को, तो आपको कंफर्म रखना ही है और इनको भी आप फिक्स कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में फिक्स कर सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में आपको कंफर्म अपनी टीम में रखना ही रखना है, ठीक है। सोफी को भी मैं लेके चल रहा हूँ, दायना बेग अभी के लिए नहीं दिया है। कैटक्रास नथरा शंधु, ये मैंने जो है 3 बॉलर्स अपनी टीम में ट्राई करे, हाँ सराह ग्लेन अगर खेलती है तो आप ध्यान रखना, ये अच्छी प्लेयर है, लेग ब्रेक स्पिन बॉलर है और विकेट टेकिंग बॉलर है, ठीक है, अगर खेलती है तो आप ध्यान रखना, इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करना, ये दोस्तों सोफी से भी अच्छा करती दिख सकती है, कैटक्रास से भी अच्छा कर सकती दिख सकती है, नथरा शंधु से भी अच्छा करती दिख सकती हैं, तो सराह ग्लेन अगर खेलती है तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैंने सोफी, कैटक्रास और नशरा शंधु को अपनी टीम में लिया है अभी के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से लॉरेन बेल है, सादिया इकबाल है, तौबा हसन है, उम्मेद हानी ने लास्ट मैच में अच्छा करा था इसीलिए दोस्तों इनका सिलेक्शन ठीक ठाक है, 30% सिलेक्शन है और इन्होंने 10 के 10 ओवर भी करे थे, तो इनको भी जीएल में रोटेशन में अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो जो प्लेयर्स मैंने लिए आपको बता दिए क्यों मैं किन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेके चल रहा। अब जो मैंने टीम बनाई है उस टीम को देख लेते हैं, जो जो प्लेयर्स मैंने बताया वही अपनी टीम में रखे, एमी जोन्स है, हैदर नाइट, टीम ओवेंट, एलिया रियाज, एलेक्स कैप्सी, निदादा, नट सीवर ब्रांड, उसके अलावा यहाँ पे डीन,
नशरा चंदू कैट क्रास, सोफी को मैंने वाइस कैप्टन, कैप्टन मैंने करा है नेट सीवर ब्रांड को। यहाँ पे दोस्तों यही आपके लिए तीन बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। मैक्सिमम टीमों में आप क्या करना, इन्हीं प्लेयर्स को रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में यही तीनों सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। ठीक है, आप निदा तार के साथ सोफी को ट्राई कर सकते हैं, निदा तार के साथ नेट सीवर ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं, मैंने नेट सीवर ब्रांड के साथ सोफी क्लस्टोन को ट्राई करा, तो यही तीन बेस्ट ऑप्शन है आपके टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन। ये हमारी टीम जो है इनिशियल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी को जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अब चल दोस्तों बात कर लेते हैं जिसका मैंने शुरुआत में बात करा था, मेगा ग्रैंड लीग का। तो पहली मेगा ग्रैंड लीग की टीम देख लेते, उसमें हमने क्या करा, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लैंड, हमने पहले ही देख लिया कि स्ट्रांग साइड कौन सी, इंग्लैंड वोमेन की टीम स्ट्रांग साइड है। तो मान लीजिए इंग्लैंड वोमेन अगर पहले बॉलिंग करती है तो हो सकता हो सबका फोकस सोफी पे, नरसीपर ब्रांड पे, निदा तार पे, और कैट क्रास तीन या चार विकेट लेती दिखे। ठीक है, और तीन विकेट मिल जाए सोफी को, ये टीम बहुत बड़ा टोटल नहीं बना पाए, 110-15 का टोटल बना पाए, और ये तीन प्लेयर्स परफॉर्मेंस करें और उस स्कोर को चेंज करते हुए इनका टॉप ऑर्डर ही स्कोर चेंज कर ले इंग्लैंड वोमेन का। तो यार इस तरह की टीम हमारी बेस्ट हो सकती है, रैंक करने वाली हो सकती है अगर इंग्लैंड वोमेन पहले बॉलिंग करती है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो हमने कैट क्रास और यहाँ पे सोफी को करा। आप देखिए डीन को ट्राई कर सकते हैं, मतलब इन प्लेयर्स में आप रोटेट करके ट्राई कर सकते हैं। मैंने कैट क्रास और सोफी को इसलिए करा क्योंकि दोस्तों कैट क्रास लगभग चांसेस से पूरे ओवर्स करती दिख सकते हैं, शुरुआत में बॉलिंग करेंगी, पहला ओवर लेके आएंगी, अगर पहले ओवर से इन्होंने विकेट मिल गए तो उनको ओवर्स दिए जाएंगे, तो ये ज्यादा विकेट निकालती दिख सकती है, तो ये चीज हमने यहाँ पे ट्राई करी है। ये कौन सी टीम है, हमारी टीम नंबर वन है, इसमें रोटेशन करके आप एक दो टीमें और ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगली जो टीम बनाई है वो भी दोस्तों हमने सोफी को वाइस कैप्टन, कैप्टन कर दिया विमाइंड को। ये टीम भी आपको तभी ट्राई करनी है जब इंग्लैंड वोमेन पहले बॉलिंग करे, सोफी के मान लीजिए तीन विकेट आ जाए और चेंज करते हुए ये प्लेयर विमाइंड अच्छा करती थी, और हमने यहाँ पे एक लो सिलेक्शन प्लेयर सिद्रा आमीन को भी रखा है, तो ये टीम भी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है अगर इंग्लैंड वोमेन पहले बॉलिंग करती है बाद में बैटिंग करती है, तो इस तरह की टीम हमारे काम आ सकती है, रैंक करने वाली टीम हो सकती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, किसी टीम में आपको डीन को ड्रॉप करके यहाँ पे फातिमा सना को ट्राई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से रोटेशन में आपको सब हर एक प्लेयर को अपनी टीम में रखना है। अगली जो टीम बनाई हुई है तीन नंबर टीम, उसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने निदादार और नेट सीवर ब्रांड, यानी कि दोनों लगभग सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा यहाँ पे लो सिलेक्शन प्लेयर जो है वो सिद्रा अमीन है, और यहाँ पे हमने कैट क्रास को लिया है। तो ये कुछ हमने टीम बनाई हुई जिसमें निदादार कैप्टन है, नेट सीवर ब्रांड वाइस कैप्टन ही, ये भी हमारी मेगा ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम हो सकती है। अब आपको क्या करना, ऐसा नहीं करना कि हर एक टीम को आपको कॉपी पेस्ट करके लगा देना, टीम आपको खुद से बनानी है। मैंने कोशिश करी है, अपना 100% दिया, एक आइडिया दिया किस तरह से इस मैच की आप टीमें बना सकते हैं। बाकी मैं अपनी जो फाइनल 6 टीमें बनाऊंगा उसमें से एक दो तीन जो मुझे बेस्ट लगेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लोग यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हर एक मैच की वीडियो आपको इसी तरह से मिलने वाली है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।